हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक नए रेस्क्यू ऑपरेशन पे आए हैं और सिनोली गांव सवाई माधोपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर। और यहाँ ये कच्चा मकान है, किसान लोग अक्सर गांव में यही कच्चे मकानों में यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। और इसमें एक स्नेक आ गया है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा की इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमारी देसी भाषा में कोबरा को काला सांप कहा जाता है, तो वही काला सांप बता रहे हैं सब यहाँ पे। जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सबने उस सांप को देखा है और दीवार के अंदर वो सांप घुसा हुआ है। और हम उसको उसकी सर्चिंग करके उसको रेस्क्यू करेंगे यहाँ से, और यहाँ से पैक करके उसको सेफली आगे रणथंभौर के जंगलों में रिलीज करेंगे, जिससे वो अपना आगे का जीवन जी सके। तो किसका मकान है ये? राम के जी बुद्धि प्रकाश जी के मकान है ये, और हमारे पंडित जी हैं, और ये हमारे क्या नाम से हमारी कॉलोनी में रहते हैं ये, इनका ही पड़ोस में इनका भी मकान यही पड़ोस में इसी गांव के हैं ये भी। इनने मेरे को तो इन्फॉर्मेशन दी, तो हम उसको देखते हैं और उसको निकालेंगे। पत्थर की दीवार है, पत्थर की दीवार है। भाई साहब जैसे कारण निकलो तो काटो सरकाएं रुक जा वाला फोन ये तो बड़ा वाला है, छोटा भी है यहाँ पर। एक तो आया जंगल को खिलाड़ी, मैंने बोला था दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हमने यहाँ से कैच कर लिया है, और काफी अच्छे साइज का कोबरा है। अरे ऐसे मालूम नहीं पड़ता नाग है कि नाग है, ऐसे मालूम नहीं पड़ता नाग है कि नाग है। दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और लगभग 4 फीट की हाइट है इसकी, और काफी खतरनाक सांप होता है ये, और ये नागनी नहीं है सांप, ये नाग है, नाग है, नाग है, नाग है, नाग है, नाग है, नाग नाग है। तो बारे बतायो भाई साहब, इतने कितने सांप है यहाँ पे? देखो यही सांप चुना देखो, मन तो साहब इसकी इच्छा होगी तभी खोलेगा, ये खोलेगा खोलेगा खोलेगा। अरे ये आई क्यों सांप वीडियो बना रहा ये है साहब, नाग है 100% नाग है। दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, साइंटिफिक नेम इसका नाजा नाजा, और हैवी हाई प्रोटीन न्यूरोटॉक्सिक वेनम का ये मालिक है, और लगभग ऐसा सांप अगर किसी को खा जाए तो 3 से 3.5-4 घंटे में उसकी मौत हो सकती है, और अगर ये इसने थोड़ा जहर ज्यादा छोड़ दिया तो 1.5 से 2 घंटे में इंसान खत्म हो जाते हैं, कई बार देखा गया है।
और ये अंधविश्वास है भाई साहब, ये फोटो खींचता है, अगर ये फोटो खींचता तब तक तो मैं जिंदा ही रहता। मेरे को पता है कितनी बार अरे भाई साहब कोई डांस थोड़ी ना नचवा दूं। भाई सब खुल गया ना भैया, अबे निकल गया सब खुल गया, नहीं तो भाई ये अरे ये की पूछ दिखे यार मकुआ, अरे छोटा तो देख दूसरे तो तो दोस्तों ये हमने यहाँ से रेस्क्यू कर लिया है, कैच कर लिया है, इसको हम यहाँ से पैक करेंगे और जंगल में इसको आगे सेफली जीने के लिए जंगल में रिलीज करेंगे ताकि अपना आगे का जीवन जी सके। और इस टाइम ये बहुत डर गया है, तो ये एक्सक्रीशन कर रहा है, घबरा गया है सांप काफी। और मेरे को ये मेल स्नेक लग रहा है, लगभग इसकी उम्र होगी 5 से 6-7 साल और 30-35 साल का इसका जीवन काल होता है, जो भी इस पास बहुत बाकी है। अच्छा सांप है ये, अच्छे साइज का सांप है और हेल्दी है, कमजोर सांप नहीं है ये। दिखाओ दोस्तों, हम इसको पैक करते हैं और आगे ये ढक्कन लाओ इसका, मुझे मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर। तो दोस्तों ये हम पैक कर रहे हैं और पैक लगभग कर चुके हैं। भयंकर डरा हुआ है ये, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पानी पीता बताया पीता है सांप पानी, किसने का सांप पानी नहीं पीता? दूध तो सांप के लिए जेल होता है भाई साहब, दूध सांप के लिए जेल होता है, जैसे इसका जेल अपने लिए जेल है ना, वैसे दूध सांप के लिए जेल होता है। तो दोस्तों फिर से एक सेफ प्रैक्टिस हमने करी है और ये एक सेफ मेथड होता है स्नेक को पैक करने का, और खतरा भी लगभग इसी टाइम होता है। मुंह कहाँ है इसका? मुंह पर। हाँ तो दोस्तों ये पैक हो चुका है और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सभी गांव के लोगों का, जिनका ये घर है उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमको ये बुलाया, जीव को मारा नहीं, हमको इसको बुला के इसको रेस्क्यू करवाया। अगर ये इसको मार देते तो एक और अच्छा कोबरा दुनिया से खत्म हो जाता। तो इन जीवों का बहुत रहना जरूरी है हमारे आसपास, यही हमारे इको फ्रेंड है, इनको मारने का अरे भाई साहब आप रुक जाओ, इनको मारना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अगर ये ऐसे जीव दुनिया में नहीं होंगे तो अनेकों किस्म की बीमारियां पैदा होंगी, क्योंकि अनेकों किस्म के ऐसे जानवर पैदा होंगे जिनको ये खाता है, चूहे वगैरह, जिनसे बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है। एक मिनट आप शांत रहो। तो हमने इसको पैक कर लिया है यहाँ से और जंगल में मिलते हैं आपसे इसकी रिलीजिंग में, इसको आजाद करते हुए ताकि अपना आगे का जीवन जी सके। अच्छा वेट है इसका, लगभग 1.5 किलो का सांप है, तो अच्छा हेल्दी है ये। तो मिलते हैं आपसे जंगल में। तो कितने सांप है भाई साहब आपके इसमें? सांप है कितने? वो तो पेट वाले तक मिली थी या पेट वाले? जय हिंद दोस्तों, और कैसे हो? मेरे हिसाब से सब अच्छे ही होंगे। और आज आपने वीडियो देखा, गांव सिरनौली का है वो, सवाई माधोपुर बदरिया से लगभग 15 किलोमीटर दूर, और वहाँ से हमारे पास कॉल आया और हमारे रेस्क्यूअर समीर अहमद वहाँ रेस्क्यू करने गए। काफ़ी अच्छा नाग उन्होंने रेस्क्यू किया, 4.5 फीट लगभग 4.5 फीट लंबा कोबरा स्नेक था, जिसे हम इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा बोलते हैं, भारतीय नाग। उन्होंने काफ़ी कुशलतापूर्वक उसको रेस्क्यू किया और वहाँ से वो चले ही थे
गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे आ गए थे। फिर से दोबारा उनके पास कॉल आया गांव सेणोली से, उसी घर से उन्होंने एक और कोबरा देखा, उससे बड़ा था। वो तुरंत प्रभाव से तुरंत वापस लौटे रास्ते में से ही, और उन्होंने जाके वहाँ से सर्च ऑपरेशन चलाया और वहाँ से खोज करके निकाला वेरी बिग साइज कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग। लगभग 5.5-6 फीट की लंबाई थी, उसकी लेंथ अच्छी थी, और उसको उन्होंने बड़े सूझबूझ के साथ रेस्क्यू किया और उसको वहाँ से लेके आए। और शाम भी काफ़ी हो गई थी, हमको रिज करते हुए रात हो गई थी। रणथंभौर के अभ्यारण्य नेशनल पार्क में हमने उसको उनको दोनों को रिलीज किया। तो हम आपको केवल एक ही सांप का रेस्क्यू दिखा पाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया था, रात भी काफ़ी हो गई थी उस समय, और दूसरा रेस्क्यू में काफ़ी लंबा हो गया था मामला। इसलिए हमने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाए। तो ये पार्ट 1 रहेगा जो आपने अभी देखा है, और पार्ट 2 हम कल अपलोड करेंगे। और आप ज़रूर देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो तो सब देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, तो आप लाइक करें। और जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, जिससे लोगों को इन जीवों के बारे में मालूम चले, इनकी महत्वता मालूम चले कि जीव जंतु हमारे बीच में कितना ज़रूरी है और पर्यावरण का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये हमारे धरती पे सभी जीवों के साथ में विचरण करते हैं और सभी जीव हमारे धरती पे होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, मेरा एक बात और है आपसे कहने की, कि आपको जो भी हमारी वीडियो में खामी लगती है, गलती लगती है, आप कुछ भी अच्छा देखना चाहते हो या कोई भी आपके सुझाव हैं, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में आपके दे सकते हो। आप हमें बड़ा अच्छा लगेगा, और हम उन पर अमल करते हुए आप आगे से ध्यान रखेंगे जो भी बातें आप हमको कहना चाहते हो उसकी। तो इन्हीं साफ शब्दों के साथ में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में फिर से मिलते हैं कल वीडियो नए अपलोड के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। जय जय।